इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं फ्रेंड्स कि आप सैमसंग के मोबाइल फोन में अलार्म को बंद कैसे कर सकते हैं या आप उसे कैसे जो है डिलीट कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। तो इसके लिए आपको सैमसंग मोबाइल फोन में आपको एक देखिए क्लॉक के नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगा, आपको क्लॉक वाले एप्लीकेशन में जाना है। तो यहाँ पर आपने जितने भी अलार्म लगा रखे होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने दो अलार्म लगा रखा है, एक दोस्तों रात के 10 बजे का, एक दोस्तों सुबह 6 बजे का। तो अब देखिए अगर आपको अलार्म को बंद करना है तो बंद करने के लिए तो बस आपको इस टाइम के सामने वाले सेटिंग को यहाँ पर क्लिक करके बंद कर देना है तो अलार्म बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों अलार्म बंद हो गया। लेकिन अगर आपको अलार्म को डिलीट करना है तब दोस्तों आपको ये जो अलार्म टाइम दिख रहा है आपको इस पर दोस्तों फिंगर से लॉन्ग प्रेस करना है कि कुछ देर आपको इसे दबाए रखना है इस टाइम पर फिंगर को, तो आपको यह डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ डिलीट पर क्लिक करेंगे अलार्म डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से आप सैमसंग के मोबाइल फोन में अलार्म बंद कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।